छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री, विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर की पुण्यतिथि पर मालवीय नगर चौक स्थित प्रतिमा पर पहुंच उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेता चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, देवेंद्र यादव, निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, धीरज बाकलीवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस की बड़ी जीत का भरोसा दिलाया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें तिलक लगाकर चुनावी रण में भेजा है और वे फतह हासिल करेंगे। इस दौरान भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में नड्डा जी को धूल चटाई है, अब वही हाल भाजपा का छत्तीसगढ़ में भी होगा। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के बीच अपनी बात साझा की। नामांकन और अरुण भाई सब लोगों ने नामांकन भरा और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। आज आप घर भी गए थे, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का सामने जरूरी है, जब आप मैदान में जा रहे हैं है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके कामनाएं, उसके आरती बहुत जरूरी। दुर्ग किले भेदना आसान नहीं है, एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस हमेशा गढ़ रहा। छत्तीसगढ़ को जनता देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में है, और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 से, तो उसके बाद अब दो नए, तीन नए साथी भी हैं। वासु चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं, उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई है और आज उसकी पुण्यतिथि है, उसकी मूर्ति पे जाकर श्रद्धांजलि। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।